सो गाइस फाइनली वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। कैसी तेरी खुदगर्जी का ये है लास्ट एपिसोड। इतना जोर जोर से मैं क्यों बोल रहा हूँ बता नहीं मेरे अंदर क्या आ गया था। बाय द वे हमारा माइक जो ख़राब हो गया है इसीलिए हमने इसका सहारा लिया क्योंकि स्पेयर पार्ट में रखा हुआ था ये एंड बट इसका दुष्परिणाम ये है कि ये दोनों बोल नहीं सकते क्योंकि जब ये बोलेंगे आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि ये नॉइस कैंसलेशन है, कॉल सेंटर वाला है। बोल के दिखाओ बच्चे। थोड़ी थोड़ी तो। देखा आपको कैसी आ रही होगी, आपको पता ही चल रहा होगा। पता नहीं इसने लगाया भी है कि नहीं। हमने कल ना भाई क्या ही बोले कल का तो ए भाई छोड़ दे बोल मत तू बोल मत तू। कल तो भाई हमने पीछे का पूरा बैकग्राउंड उड़ा दिया, डायरेक्ट एक दिन में उखाड़ दिया, इसीलिए आज शूटिंग नहीं कर पाए नीचे। ए भाई छोड़ो छोड़ो जान दो, वो जो पीछे दीवार पे था ना वो अभी पैरों में है। देखते हैं आज क्या होगा। यूजुअली पाकिस्तानी ड्रामाओं में क्या होता है, जो लास्ट एपिसोड होता है उसमें क्या होता है बताता हूँ मैं। अगर आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में पूरे वो पूरे जो ड्रामे की पूरी कहानी पूरी दिखाते हैं दोबारा से, ठीक है, आधा एपिसोड उस पे दिखाते हैं और आधे एपिसोड में आगे का बताते हैं कि भाई अभी जैसे लास्ट एपिसोड में हमने देखा बाबा साहब जा रहे थे कॉन्फ्रेंस में कन्फेशन मारने के लिए, तो वो जाएंगे नहीं जाएंगे, वहाँ जाके कन्फेशन मारेंगे नहीं मारेंगे, महक कहाँ रहेगी उस टाइम पे और प्रॉपर्टी वगैरह किसके नाम पे होगी। प्रॉपर्टी थोड़ी सी अगर महक के बच्चे के नाम पे होगी तो उसकी जो भाभी है ना, जो उसके महक के जेठ की कराड़ी ही जेठ जेठ बोलते ना, उनके बड़े भाई की शमशेर भाई के बड़े भाई की घरवाली जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगी, पता नहीं ये कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं क्या ही बोल रहा हूँ क्या मालूम। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा शमशेर खाब की खाब भी नहीं मान पाया। हैंडसम सा हीरो है, अच्छी खासी हाइट। ये मेरा फेवरेट सीन था भाई, फेवरेट। ओए इतनी बड़ी गाड़ी थी उसके पास, बहुत सारी बड़ी गाड़ी थी, बहुत स्मूथ मारा था इसने। हकीकत में वापस आ जाओ और हकीकत में हीरो नहीं होता, सिर्फ विलन होता है। अगर एक हफ्ते में उसके साथ महक का निकाह नहीं किया वरना उठा के ले जाऊंगा। नवाबों का घर है ये, 7 पुश्तों से हमारे खून में कोई मिलावट नहीं हुई है। तुम्हारी शादी वही होगी जहां हम सब चाहेंगे। शादी तो मेरी महक से ही होगी, देखता मुझे कौन रोकता है। अरे बाबा भी मेरा नाम लो, थोड़ा प्यार से बोलो। यार इसने ऐसे ही प्यार से बोला था, बेचारा मर गया, देखा ना लास्ट में सुबह होने से पहले तुम्हारे आई लव यू बोला था उसने, मर गया वो जरूर। गली में सारी जिंदगी नहीं बोलना चाहिए, चल जाती थोड़ा। आज उस गली में सब झुका के कर रहे हो, हार्ट अटैक हो गया। सबसे बड़ा कसूर ये है कि मैं मिडिल क्लास का एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं बेटियों का बाप हूँ, जिसका दिल चाहेगा जब चाहेगा मेरी बेटियों को उठा के ले जाएगा, जब दिल चाहेगा मुझे जेल में डलवा देगा, जब दिल चाहेगा मुझे पिटवाएगा। अगर रूप का जिसमें रहना जरूरी ना होता तो मैं आपको अपनी मरी हुई रूप दिखाती आपको कि आपने मेरा क्या हर्ष किया। क्या किया मैं? मोहब्बत ही तो करता हूँ तुमसे। मैं चाहता हूँ कि महक ही और एहसन की शादी करते हैं जल्दी। तुम दोनों का निकाह हो जाए तुम्हारा भूत उसके सर से खुद ही उतर जाएगा। अम्मी वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। चची को कैसे खुदी के लेके गया था भाई। आंखें फाड़ के देख लो और कान खोल के सुन लो सब।
जिसने भी मैं कितना भाग उठा के देखा उसका यही हाल होगा। मैच सिर्फ मेरी है। ओके अंकल। मैच सिर्फ मेरी है। डालो इसे गाड़ी में। मना किया था आपको, ये निकाह मत करें। अब देखिए कितना तमाशा। ओए भाई जबरदस्त आई सी। अगर महक को कुछ हुआ जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुम्हें। क्या हुआ महक को? उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो बच नहीं पाई, बच चुकी है। ये इंटरवल था ये ड्रामे का, जबरदस्त इंटरवल था भाई, सच में मजा आ गया। कुछ भी बाबा सर, ऐसा हो नहीं सकता, वैसे नहीं मर सकते। प्यार करते थे उससे, मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बोल दिया शमशेर। ओए मोहब्बत करता था, करता हूँ, जिंदगी की बार करता रहूंगा। मैंने शमशेर को मार दिया, महक की मौत का कौन लेता बदला? बताया वो, बताया मुझे। वो लड़की मरी नहीं, उसकी माँ बाप सारे घर वाले इस साजिश में शामिल है। ये वाला सीन, मेरे पास एक सेम जैकेट है, सेम सेम जैकेट है भाई, भाई मेरे पास सेम जैकेट है भाई साहब, थोड़ी सी अलग है बस, बट ये सीन मस्त था। शेर को मैक के बारे में मालूम हो गया, शादी हो गई, उठा के ले गया। मैक बीबी आपको निकाह कबूल है? आप दोनों के लिए सरप्राइज, निकाह कर लिया गया। क्या चाहते हो तुम? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, अपने घर जाने। पागल है तुम्हारा भाई, और उस दो कौड़ी की लड़की को इस घर में ले आया। अरे जवान खून है, जवानी में ऐसी गलतियां होती रहती है, किसी ने उसको देखा थोड़ी है गाड़ी में ट्रक चढ़ाते हुए। आपने मरवाया उस लड़की को? नहीं, मैंने तो अपने बच्चे को मदरसे से बचाया। मुझे बताएं कि आप उसे निकालेंगी कब घर से? मेरे बेटे ने उससे निकाह किया, उसकी बीवी। जब मैं बात करता हूँ तो सब सुनते हैं, आगे से कोई बोलता नहीं है। बीवी है मेरी बाबा साहब, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई इससे स्टोन में बात करे। ट्रक मैंने चढ़ाया था, दूसरी मर्दा भी इसको मारने गया था तो वो बच गई। हालत के कहने पे शमशेर, शमशेर मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं सुननी मुझे किसी की बात। जो कुछ शेरू ने कहा है, अगर वो सच निकला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मेरा पर्स चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं, मैं लाना भेजता हूं इसे खानदान बाहर। मर जाऊंगा अब वापस नहीं आऊंगा। यहाँ से ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, बहुत ज्यादा। मैंने एक फैसला किया, कल मैं थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करूंगा। ये पूरा चेंज हो गया था इस टाइम इसके बाद, फुल ऑन। कितनी शमत आ गई है शहर में। नवाजा तो दिलावर, वैसे तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है, लेकिन आज बहुत खुशी का दिन, और मैं इस खुशी के दिन को नाराजगी की नजर नहीं करूँ। मेरी जॉब लग गई है। हाँ मेरी भी जॉब लग गई है, 50,000 सैलरी मिली।
इंसेंटिव्स भी हैं और ऑफिस भी बहुत चल रहा है। शमशेर, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम हॉस्पिटल में, शी इज क्रिटिकल। मिसेस दिलावर कौन से रूम में? आई एम सॉरी सर, उनकी कुछ देर पहले डेथ हो चुकी है। ओए, ये बहुत ज्यादा इमोशनल सीन था भाई, रुला दिया था ये सीन है। जब ये महक के पास जाएगा ना, हाँ, वो वाला सीन था, बहुत इमोशनल था। यहाँ से इन दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व होना स्टार्ट हुआ, मुश्किल टाइम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सब सब तुम कह रही थी ना कि बीवी सबसे ज्यादा महफूज अपने शौहर की। शेर मर गया है। शमशेर, हम नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? तुम्हारी जिंदगी की कीमत पे ये जंग नहीं लड़नी मुझे। डॉक्टर के पास जा रहे, जरूरत है। मुबारक मुबारक। आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी तुमने। ऐसा लग रहा जैसे मैं मुकम्मल हूँ, बल्कि हम मुकम्मल। Guys, this was a reaction on Kaisi Teri Khudgarzi. Last episode, full on disappoint किया इन लोगों ने, full on 1000% disappoint किया है। क्या सोच के बैठा था मैं यहाँ पे और क्या मिला है हमें? क्या मिला है? क्या मिला? क्या बोलना चाहो? मतलब ये एपिसोड में उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, डायरेक्ट शमशेर को मार दिया और ये सब पुराना दिखाया। मतलब आगे क्या होगा, मतलब महक का क्या हुआ, उनके परिवार वालों का क्या हुआ होगा, होगा ना, उनके बाबा साहब एंड पूरा, मतलब अधूरा सा लगा ना। पूरा हो गया तुम्हारा इधर, इसको देखते अभी क्या बोलेंगी थोड़ा सा अच्छे से। 1 2 3 4 चेकिंग, माइक चेकिंग। मुझे तो बहुत, अरे इसमें बोलो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पूरा, जो जितने भी सीन्स थे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे स्टार्टिंग में दिखाए जो फर्स्ट एपिसोड से, बट लास्ट में पूरा शमशेर को मार दिया और कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। अभी जो शमशेर के बाबा हैं उनका भी कुछ रिएक्शन दिखाया नहीं कि उन पर क्या बीती, और महक का कुछ नहीं दिखाया, महक के मॉम डैड का, उनका भी कुछ नहीं दिखाया। तो मतलब वो मतलब ये सिखाना चाहते हैं कि
कैसी तेरी खुदगर्जी, तो बहुत खुदगर्ज मतलब एपिसोड था ये। मैं चाहती थी कि हैप्पी एंडिंग हो ड्रामा की पर नहीं हुआ। बहुत खर्चा है। सो गाइस, देखिए हम आपने मेरे भाई बहन का जो रिव्यू था वो सुन लिया है, और सच में यार बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। बिकॉज़ सबसे पहले तो अगर वो शमशेर को मार दिया उन्होंने, तो वहीं पे पूरा का पूरा जो एपिसोड और ड्रामा था वहीं पे ख़त्म हो गया था। एंड उसके बाद तो कुछ भी देखने लायक ही नहीं बचा, और उन्होंने अच्छे से एंडिंग तक नहीं की। सोचो मतलब इतना अधूरा। और आपको पता है हमने वो एपिसोड देखा था, चुपके चुपके था, कौन सा था चुपके भाई, कितने बेहतरीन ड्रामा, जो भाई एकदम मजे मेरे पास तुम हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा उनको, इतनी जोर से काई को चिल्ला रहे, उसमें भी दानिश को मार दिया बोले। तो मतलब इतने बढ़िया बढ़िया जो ड्रामे होते हैं उसमें एंडिंग इतनी खत्म, एंडिंग खत्म मतलब बिल्कुल भी सही नहीं। मैंने आज तक एक भी ड्रामा ऐसा नहीं देखा था क्या, कोई ड्रामा ऐसा, परीजाद, अहदे वफा, आय हाय हाय, ये दोनों ड्रामों में ना एटलीस्ट एंडिंग अच्छी हुई है भाई, बहुत जबरदस्त एंडिंग। हम तुम कितना बेहतरीन ड्रामा भाई, एंडिंग क्या ही, दिल तोड़ दिया दिल। नॉनसेंस। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी।